रफीक साहब, कुछ पता है आपको? आज फिर राशन खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है घर में पकाने और खाने को। अरे जन्नत बेगम, कुछ नहीं होता। सरकारी मुलाजमीन के घरों में महीने के आखिर में यही हाल होता है। कल तनख्वाह मिल जाएगी और सारा राशन भी आ जाएगा। बस कर दे रफीक, बस कर दे। अपनी नौकरी के चक्कर में ना आपने हम लोगों को भूखा मार दिया। आप एक पटवारी हैं, पटवारी, और इतना तो मुझे भी पता है कि पटवारियों की इस माशरे में क्या इज्जत है, कितना कमाते हैं वो, कितनी दौलत होती है उनके घरों में। और एक ये हमारा घर है, ना घर में एसी, ना फ्रिज, ना ओवन, दो वक्त की रोटी के लिए हम तरस रहे होते हैं। और नहीं आपकी जेब की बात, वो तो सिरे से खाली ही मिलती है। जन्नत बेगम, हराम से कमाई हुई बहुत सी दौलत से हमेशा बेईमानी की बदबू आती रहती है। हलाल की आधी रोटी में जो नशा है ना, वो हराम की बेशुमार दौलत में नहीं है। रफीक साहब, दौलत में वो खुशबू है जिससे सारी बदबू खत्म हो जाती है। और मुझे लगता है कि आप शायद भूल गए हैं, एक बहन है आपकी जवान, शादी करनी है उसकी। आप मुझे बताएं कहाँ से जहेज इकट्ठा करेंगे? कुछ पता है कि माशरे में बढ़ चढ़ के जहेज देने का रिवाज है? क्या मुँह दिखाएंगे आप माशरे वालों को, बताएं? और ऊपर से आपका एक वो भाई है, अपाहिज, ना कुछ करते हैं ना कुछ कमाते हैं, बोझ बन के हमारे सरों पे बैठा हुआ है। जन्नत, मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं कहना, वो बोझ नहीं है मुझ पे। रही बात मेरी बहन की, तो अल्लाह उसका कोई सबब बनाएगा, अच्छी जगह पे उसका रिश्ता होगा। तुम मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं बोल। रफीक भाई, क्या हुआ? ये तो सारा गिर गया। एक लड़के ने मुझे धक्का दिया, ये तो सारा गिर गया भाई। आया तो सारा गिर गया भाई। चलो भाई, नाश्ते से भी गए, पहले घर में खाने को कुछ नहीं है और ये जनाब दूध भी गिरा है, बैठो आप भूखे। चंदर पास कर दो, इतनी आजमाइश में नहीं डालता किसी को। मिठू माजूर है, लेकिन मेरा भाई है। मैं भाई आप पे बोझ हूँ ना, मैं आप पे बोझ हूँ भाई, तो मैं आप पे बोझ हूँ ना, गिर गया बाबू। भाभी, भैया हसास दिल इंसान है, अब हर बार शुरू हो जाती है, कभी तो छोड़ दिया करे। मिठू भाईसन, आप मेरे भाई हैं और भाई भाई पर बोझ नहीं होता, हमारे खून के रिश्ते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। आप तुम लेके जाओ भाई को, अंदर लेके जाओ, उठे, छोड़ दे, कुछ नहीं होता, डोल पकड़ लो ये। आप तब तक जाए, मैं संभालती हूँ। चले चले जाए। हाय, अच्छा जन्नत बेगम, चलो रफीक साहब, आज बगैर नाश्ते के ऑफिस चलो, ख्याल रखना अपना। इस घर में तो सबको मैं ही बुरी लगती हूँ। भैया, आप भाभी की बात का बुरा ना मनाए, आपको पता है ना, वो बस जज्बाती है। नहीं शादिया, भाभी किसी की बात का बुरा नहीं मनाती, मैं माजूर और बेबस हूँ, मुझे उनकी हर बात पर समझौता करना पड़ता है। नहीं भैया, ना तो आप माजूर हैं और ना ही बेबस, बल्कि आप तो बहुत बहादुर हैं और खुददार शख्स हैं। लफ्जों का सहारा लेकर मेरी माजूरी पर पर्दा मत डालो, मैं आपकी किसी काम नहीं आ सकता, किसी काम नहीं। नहीं भाई, अब देखिए ना, घर के सारे काम आप ही तो करते हैं ना। भैया, शाजिया, कितनी आवाजें दी हैं मैंने तुम्हें और तुम यहाँ बैठी हो,
कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें? तुम्हें पता है घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है और तुम यहाँ बैठी हो इस अपाहिज इस माजूर के साथ गप्पे हांकती हुई। जे पता नहीं चला, आवाज नहीं आई मुझे। तुम्हें कोई काम नहीं है? काम ना काज का दुश्मन है आज का। पड़े रहो यहीं पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पटवारी साहब, मेरी वो फर्द बन गई है। आपकी फर्द वो 29 माली? जी 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 बिल्कुल 29 माली वाली। वो जरा फाइल निकालो 29 माली। हाँ जी, ये 29 माली, ये जी आपका हो गया जी। पटवारी साहब, वो मलकियत ही फर्द बनानी है जी। मलकियत की फर्द? ये जी आपकी फर्द होगी तैयार, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये फीस ले दें जी। शुक्रिया। 50 रुपये होंगे तुम्हारे पास? अच्छा, मैं ही इसको देख रहा था। 50 रुपये? हाँ ये है मेरे पास, ये ले सर। रख लें, रख लें। बहुत शुक्रिया आपका। ये इस तरह के दो नंबर काम यहाँ नहीं हो। कोई ऐसी बात नहीं है, आप रख लें, ये चाय शाय पी लें। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकारी फीस के अलावा एक रुपया भी हम सब पर हराम, ये पकड़े हैं। आप एक काम कीजिएगा, ये किसी मस्जिद के गले में डाल दीजिएगा। दो नंबर काम यहाँ नहीं होते। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसकी जजा दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पटवारी साहब, एक ज़रूरी काम था आपसे। जी जी बताइए। ये ज़मीन का हिस्सा मेरे भाई का है और मैं चाहता हूँ कि अगर ये मेरे नाम लग जाए तो। इंतहाई ज़ुल्म, इंतहाई ज़्यादती, इस तरह के काम इस दफ्तर में नहीं होते। तवारी साहब, आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी है, कोई आप मुंह मांगी रकम नहीं चाहिए। दो नंबर काम यहाँ पर हरगिज नहीं होता। पटवारी साहब, इसमें हर्ज ही क्या है? आपको मैं कह रहा हूँ, आप इज्जत से उठकर यहाँ से चले जाए। ठीक है। आप बेफिक्र हैं, आपकी बेटी जैसी नंद हमारे घर में राज करेगी, हम उसे अपनी बेटी बना के रखेंगे। हाय साहब, मैं आपके इस जज्बे की कदर करती हूँ, वरना आजकल ऐसे अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। सच पूछे तो आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। जी बहन जी, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और घर में मुलाजमा भी नहीं है। शाजिया बेटी बड़ी खुशी से जिंदगी बसर करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I'm sorry, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं जी, दफ्तरी मामलात में देर से भेंट तो हो ही जाती है जी। तुमने कुछ चाय पानी नहीं? मेहमानों के लिए कुछ टेबल लगाओ। जी वो शाजिया ला रही है। क्या ख्याल है बहनी, हम शादी की तारीख में तय कर लें ताकि आप आराम से फिर तैयारी करते रहें। जी बिल्कुल भाई, दरअसल मैं अपनी बहन की शादी बहुत सादगी से करना चाह, बस दो चार लोग आए, निकाह पढ़ा के रुखसती कर देंगे। इसका मतलब है कि आप जहेज वगैरह भी नहीं देंगे? बगैर जहेज के हम बरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ जरूर देंगे। कुछ ना कुछ क्यों मतलब? हम तो लिस्ट के मुताबिक फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और सोने का सेट भी लेंगे। भाई साहब, आप तो अपनी शराफत में गरीब बने हुए, अगर ना आपके ऑफिस में तो आम चपरासी भी ऐश इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। आप बहुत लालची इंसान। I'm sorry, ये हराम की जो कमाई होती है इसमें बरकत नहीं होती। हलाल की कमाई में जो बरकत है वो हराम में नहीं है। हराम खाने वाला रब का भी चोर होता है। आप लोगों को दरअसल मेरी बेटियों जैसी बहन से नहीं, उसके साथ आने वाले जहेज से प्यार। I'm sorry, आप लोग जा सकते हैं, हमने आप लोगों के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं रखी। खुदा हाफिज, जा सकते हैं आप।
मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मेरी माजूरी ने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बहन को इतना जहर दूं कि तेरे ससुराल वाले ये जहेज देकर छूट उठे। नहीं भाईजान, माँ बाप अपनी बेटी अपने दिल का टुकड़ा दे देते हैं, इससे बढ़कर तो कोई चीज नहीं होती ना। और जो लोग जहेज की डिमांड करते हैं ना, वो लोग लालची होते हैं। ऐसे लोग कभी अपना घर नहीं बसा सकते जो लालच और हफस की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ते हैं। वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। और मुझे अपने बाबा के फैसले पर कोई अफसोस नहीं है, बल्कि हो सकता है कि अल्लाह ने हमें किसी बड़ी आजमाइश से बचा लिया हो। अब मैं मेहनत मजदूरी करूँगा और अपनी बहन को इतना दूंगा। अब कोई भी रिश्ता घर से वापस नहीं जाएगा, कोई वापस नहीं जाएगा बेटा। आप फिक्र नहीं करें रफीक, जहेज के बिना तो कोई शादी नहीं करेगा। हाँ, तो जो भी रिश्ता लेकर आते हैं उसकी बड़ी बड़ी डिमांडें हैं। यकीन माने मैं सारी रात नहीं सो सकी, मुझे तो शाजिया की बहुत फिक्र लगी रही है। जी अपने रब पर पूरा यकीन, मेरा रब बेहतर असबाब पैदा करे। शुक्र है खुदा का उन लालची लोगों से जान छूट गई। लेकिन रफीक, मुआशरे के रस्म व रवाज के मुताबिक हमें जहेज में कुछ ना कुछ तो देना होगा ना। और वैसे भी ये आपकी ईमानदारी और उसूलों की वजह से ना इस घर में कोई रिश्ता नहीं आएगा। एक बात याद रखना जन्नत, इज्जत और शराफत जिसके पास है उसके पास सब कुछ होता है। इस घर की बुनियादों में मेरी ईमानदारी है। इज्जत शराफत ईमानदारी के सतूनों पर इस घर की छत खड़ी है। तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी बहन की शादी की खातिर अपने असूल खत्म कर दूं, रिश्वत लूं, बेईमानी करूं, गलत काम करूं? याद रखना, गलत काम से कमाए हुए जहेज से मेरी बहन को सुकून नहीं मिलेगा, उसको दुख मिलेगा। सारी जिंदगी वो दुख और तकलीफों में रहेगी और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन को कोई दुख मिले। बस कर दे रफीक, आपकी इसी ईमानदारी और उसूल परस्ती की वजह से ना आज इस घर में कोई रिश्ता लेकर नहीं आता। हद हो गई है। मैं इस घर पर बोझ बन गया हूं। मैं निकम्मा काम करना काज कर उल्टा घर पर बोझ बन गया हूं। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं अभी इस घर पर बोझ नहीं बनूंगा। मैं शानिया की शादी के लिए रहर बनाऊंगा। मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। भाभी, मुझे नाश्ता दे दे, मैंने काम पे जाना है। काम पर? और तुम निकम्मे ने, तुमने किस काम पर जाना है? और अभी नाश्ता नहीं बना, हटो आगे से, रफीक को देर हो गई है। जन्नत, मेरा नाश्ता ले आओ, मुझे देर हो रही है ऑफिस से। बस आई, आ गई। ये ले आपका नाश्ता। मिट्टू भाई सो रहे हैं अभी तक? नहीं, जाग गए थे, बोल रहे थे किसी काम पर जाना है, नाश्ता मांग रहे थे मुझसे।
मैंने भी कह दिया कि पहले रफीक को देर हो रही है, उनको नाश्ता दूंगी, सब्र करें। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया जन्नत, वो मेरे भाई हैं, सेंसिटिव है बहुत, उनसे नरमी से बात किया करो। तो क्या करूं, अब सर पे बिठा लूं उनको? मानती तो हूं उनकी हर बात, वैसे भी बोझ तो बने ही हुए हैं हम पर। खुदा का वास्ता है जन्नत, अपनी जुबान को लगाम दो। बिट्टू भाई मेरे बड़े भाई है, खूनी रिश्ता है मेरा उनके साथ। तुम हमेशा उनके बारे में नेगेटिव ही सोचती। इस माजूर इंसान ने हमारे घर में हर दिन कोई नया मसला बनाया होता, बोझ बना हुआ है हम पर, ना मरते हैं ना जान छूटती है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तो भाई मुझे तुझे काम पे रख ले। पहचान, यहाँ काम करना इतना आसान नहीं है, यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। मैं आपके सारे काम करूँगा। भाईजान क्यों हमारा टाइम जाया कर रहे हो, ये काम करना आपके बस की बात नहीं है, जाओ जाकर कहीं और काम देखो। मैं मुझे काम पे रख ले, आपकी मेहरबानी। भाईजान जाओ, हमारा टाइम ना जाया करो। अब बस पान जल्दी दो, पराठे लगा दो। सुने ना जमाना मेरी, ना सुने खुदा तू, मैं किथे जावा मौला मेरे, कोई रस्ता बखा मैनू मौला। अस्सलाम वालेकुम रफीक भाई। वालेकुम सलाम, आइए आइए बैठिए बैठिए। और सुनाओ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, घर में सब ठीक, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रफीक भाई, इस इलाके में आपकी ईमानदारी के बड़े चर्चे हैं। आजकल तो पटवारियों के घरों में इतनी आसाइशें हैं, लेकिन एक आप है, आपके घर में न फ्रिज है न टीवी है। असलम भाई, जो मजा हलाल की कमाई में है वो हराम में नहीं है। रफीक भाई, आप जैसा ईमानदार और असूल प्रस्त आदमी इस मुआशरे में मिलना बहुत मुश्किल है। और रफीक भाई, मैं चाहता हूँ अपने अकलौते बेटे बासित की शादी मैं आपकी तरफ करूँ। असलम भाई, आपका बेटा अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क भर्ती हुआ है, बड़ा ईमानदार और बड़ा नेक बच्चा है, अल्लाह उसकी लंबी उम्र करे। हाँ असलम भाई, मुझे कोई एतराज नहीं। शुक्रिया, मुझे भी आप जैसे ही लोगों की जरूरत थी। तो मैं इंशाल्लाह कल आता हूँ अपनी बेटी को देखने, और शादी की तारीख भी तय कर देंगे। जी असलम भाई, ठीक है, आपका अपना घर है, जब आपका जब दिल करे तशरीफ लाए। मुझे अब इजाजत दें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, वो बड़ा रहीम है बड़ा करीम। अल्लाह मेरी बहन की लंबी जिंदगी करे और उसको ढेर सारी खुशियां। हेलो भाई, आप जाओ यार, इतनी देर से ना कोई आपने ईंट रखी है और ना ही कोई रेत उठाई है और ना ही बजरी, और ईंटें तो आप उठा ही नहीं सकते। ये आप अपनी मजदूरी पकड़े, ये ले, आप कोई और काम करें, ये काम आपके बस की बात नहीं है, ठीक है? हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप कोई और काम करें, जाए। कर लूंगा जी मैं काम। चले जाए, शाबाश, चले जाए, आ जाते हैं, काम करना नहीं आता। भैया, भाभी, 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 भैया कहीं नहीं दिख रहे हैं, आपने उन्हें देखा है, वो कहाँ गए हैं? सुबह सुबह नाश्ता मांग रहे थे जनाब, बोल रहे थे काम पर जाना है। भैया
कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं? आपने आपने भैया को कुछ बुरा भला तो नहीं कहा ना? मैंने तुम्हारे भैया को कुछ नहीं कहा, पर मुझे नहीं पता कि वो खाना खाए बिना क्यों गए हैं। पता नहीं, भैया ने नाश्ता भी नहीं किया और कहाँ चले गए हैं वो? तो तबीयत भी ठीक नहीं है, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। लो, आ गए तुम्हारे भैया। आया? आप ठीक है? गुड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया। आप बैठे, आप बैठे। आप पानी पी। मैं आपके लिए अभी खाना लेकर। हाँ तो कितने नोट कमा लाए हो? सुबह तो बड़ा कह रहे थे काम पर जा रहा हूँ, पैसे कमाने जा रहा हूँ। इतना ख्याल होता ना घर का, तो आज ये हालात ना होते घर के। कहीं के वो कह रहे हैं कल पैसे मिल जाएंगे। वो उन पैसों का मैं गुड़िया का जहेज बनाऊंगा। जहेज कर लो बात, या अपना बोझ उठाया नहीं जाता। चले शादिया का जहेज बनाने करवा लो। रफीक भाई क्या हुआ इनको? भाई मिट्टू भाई बैठ गिरे हुए थे, मोहल्ले के सारे बच्चे इन्हें तंग कर रहे थे, इनसे सारा दूध भी गिर गया है। मैंने इनको बाहर गिरा हुआ देखा तो मैं इन्हें घर ले आया। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। आप जाओ, बहुत शुक्रिया। जाओ जल्दी से पानी लेके आओ। भाभी दूध गिर गया। अरे मिट्टू भाई, अगर दूध गिर गया तो फिर क्या हुआ? रहने थे मिट्टू भाई, हमारे घर के सारे मामलात ना आप ही की वजह से बिगड़े हुए। मेरा जीना भी क्या जीना है, मैं तो आप पर बोझ बन गया। जन्नत जन्नत, अपनी बकवास बंद करो। आप मुझ में बोझ नहीं है। आप पानी पिलाओ इनको। पानी पिए। मिट्टू भाई, आप मेरे भाई हैं, आप बोझ नहीं है मुझ पे। भाई भाइयों पे बोझ नहीं होते, हमारा खून का रिश्ता है। आपकी मजदूरी में हम लोग अगर साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? मेरी रूह है, अगर एक भाई को कांटा चुभे तो दूसरे भाई को दर्द होता है। अब बोझ नहीं है हम पे, अब भाई है मेरे। लफ्जों का सारा लेकर मेरी मजदूरी पर पर्दा मत डालो भाई, पर्दा मत डालो। अरे मिट्टू भाई मुझे माफ कर दे। आज तक आपके साथ कुछ भी किया, मैं सबके लिए माफी मांगती हूँ। आपने मुझे कभी कोई काम नहीं करने दिया। घर के सारे काम तो वैसे भी आप खुद ही देखते हैं। आज तक आपने मुझे हर माचिस तक लेने के लिए नहीं जाने दिया। आपने मेरा तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल उस तरह किया जैसे आप अपनी बहन शाजिया का करते हैं। मुझे माफ कर दें। चलो अंदर लेके चलो भाई को अंदर लेके चलो। चले हम गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते। आप गुड्डा रखे और मेरी गुड़िया, आप बारात लेकर आए। हाँ ठीक है, मैं बारात लेकर आऊंगा, दूल्हा भी आएगी। चलिए ठीक है, आप जाए, आप बारात लेकर आए। चलो भाई, हमारे दूल्हा मियाँ की बारात आएगी। चलो भाई, दूल्हा सब बारात वाले इधर आ जाए।
इनको नीचे बिठा रही हूँ, ऊपर बिठाएंगे, बारात ऊपर बैठनी है। ठीक है फिर पीछे बिठा देती। हाँ ठीक है पीछे बिठा देते, उधर दूल्हा होगा और ये हमारा दूल्हा आ गया भाई, इधर बिठाते। चले भाई साहब निकाह शुरू करें। चलो निकाह से पहले मेरी बात सुनो। जी भाई साहब। निकाह से पहले मुझे जहेज दिखाना होगा तुम्हें। जहेज? जहेज? आपने इसका जिक्र पहले तो नहीं किया था। किस दौर की बात कर रही हो? मैं बगैर जहेज के दुल्हन ले जाकर लोगों से तरह तरह की बातें सुनूंगा। वैसे भी तुमने मुझे जहेज थोड़ी देना है, बल्कि अपनी बेटी को देना है जहेज, अपनी बेटी को। लेकिन मैं इतना जहेज कहाँ से लाऊंगी, मैं तो गरीब हूँ। तो फिर बारात वापस जाएगी, वापस। नहीं ऐसा नहीं कहें, ऐसा नहीं कहें भाई साहब। अगर ऐसे गरीब घरानों से बाराते वापस जाने लगी तो गरीब माँ बाप की बेटियाँ घर में बैठी बूढ़ी हो जाएंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप बारात वापस नहीं लेके जाए। आप जानते हैं हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उन्होंने भी अपनी बेटी को ज्यादा जहेज नहीं दिया था। उन्होंने भी जहेज में बस एक मुसल्ला, एक लोटा और कुरान मजीद दिया था। भाई आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, तेरी बातें सुनकर मेरा कलेजा बाहर आ रहा है, मेरी बहन मेरा कलेजा बाहर आ रहा है। खुदा न करे अब इस घर से कोई बारात वापस जाए, कोई बारात वापस जाए। भैया हम तो बस खेल रहे थे, ये तो बस एक खेल है। मैं जानलेवा खेल नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। देखो भाभी, भाभी ये पैसे ले लो तुम। मिठू इतने ज्यादा पैसे? हाँ भाभी। मिठू इन पैसों से तो शादिया का बहुत अच्छा जहेज बनेगा, और देखती हूँ मैं अब कौन मना करके जाते हैं शादिया के रिश्ते से। भाभी
मुझे ये बताएं कि अब शादी का सारा जहर इकट्ठा हो गया ना, अब देखना जहर की वजह से कोई लोग वापस नहीं जाएंगे। फिक्र मत करो तुम मिठू, मैं खुद जाऊंगी बाजार और एक एक चीज ना शाजिया के लिए चुन कर लाऊंगी। ठीक है भाभी जी, मैं अपने पास रख रही हूँ। अच्छा मिठू मुझे बताओ, रोज पराठे का कहते हो ना, आज तुम्हें मैं घी वाला पराठा खिलाती हूँ। भाभी मैंने घी वाला पराठा खाना है। क्या बैठे मेरा भाई, अभी लेकर आई पराठे खाऊंगा। ये मिठू आखिर इतने पैसे लाता कहाँ से? हाँ जरूर है, चोरी डकैती तो नहीं कर सकता, लॉटरी तो नहीं निकल आई कहीं इसकी। खैर मुझे क्या, जो भी करता है मुझे तो रोज ढेरों पैसे ला के देता, मेरे तो मजे हैं। भाईजान हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप बस अगले महीने की तारीख पक्की करें। हमें भी ये रिश्ता मंजूर है, आप अगले महीने की जो भी तारीख रखना चाहे पसंद पे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है मेरी बेटी, अल्लाह नजरे बद से बचाए। मेरी बहन घर के सारे काम कर दी और अब तो माशाल्लाह इन्होंने खाना बनाना भी सीख लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके हाथ में तो बहुत लज्जत है। और रफीक भाई, मेरे बेटे की भी यही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी अच्छे और शरीफ खानदान में हो, बस अल्लाह का करम है कि आप लोग मिल गए और आपकी बेटी से बात बन गई। आपको पता है, जब से मेरे बेटे को रफीक भाई साहब की शराफत के बारे में पता चला तो उसने फौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी। आप लोग बैठ के बातें करें, आए हम दोनों इकट्ठे नमाज पढ़ने चलते हैं। आज आए इकट्ठे नमाज पढ़ने। मेरा भाई भीख मांगता है, बेकारी बन गया मेरा भाई। या अल्लाह, मैं क्या करूं परवरदिगार, मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया। बैठू भाई, मुझे अंदाजा नहीं था आप इस कदर गिर जाएंगे। आपने मांगना शुरू कर दिया। मुझे तो यही बताया गया था कि आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आप तो भीख मांग रहे हैं। आपने अपना जमीन बेच दिया और अपने साथ साथ मेरा जमीन भी बेच दिया। रफीक भाई, आप मुझे बताएं, मैं इस घर में कब तक बोझ बन कर रहूंगा। मेरे जमीन ने मुझे मजबूर किया। अब आप मुझे बताएं कि जब घर के हालात इतने खराब हो जाए कि जहेज की खातिर लोग वापस चले जाए। भाईजान, मैंने अपनी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझा, कमजोरी नहीं समझा, मैं अपनी छोटी बहन के लिए कुछ करना चाह रहा। मैं चाहता था कि पैसे कमा कर अपनी छोटी बहन के लिए जेब बनाऊंगा। शादिया की शादी के लिए मैंने कुछ कर रहा था। बताओ भाई, मैं और क्या करता, ये ना करता तो क्या करता भाई, मुझे बताओ भाई। मिठू भाई, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन अगर मांगना है तो रब से मांगे, देने वाला तो ऊपर बैठा है, ये इंसान किसी को क्या देंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, बैठे बैठे बैठे। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। जन्नत जन्नत वो। अरे बेटा कैसी हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत जी शुक्र अल्लाह का। आप अचानक कैसे? आप अचानक हमें यहाँ देख के हैरान तो हुए हमें। असल में हम ये बताने आए हैं कि परसों हमारी बारात के साथ चार आदमी और तीन खवातीन आई। और हाँ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप फिर भी कुछ देना ही चाहते हैं तो कुरान पाक, जानमाज या तस्बीह, ऐसा कुछ दे सकती हैं। हम शादी शरई तरीके से चाहते हैं, जैसे हमारे प्यारे नबी ने अपनी बेटियों को रुखसत किया उसी तरह पर। रफीक भाई, हमें शादी शरीयत के असूलों के मुताबिक करनी है। जो लोग रब पर यकीन रखते हैं, रब उनकी आस उम्मीद जरूर पूरी करता है। शुक्र मेरे परवरदिगार का।